वेलकम, आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं आपके लिए लेकर आई हूं मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव और मनी सेंट्रल में हम आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों का विश्लेषण करते हैं। और इस बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। तो पवन जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे पहले बता दें कि आज मनी सेंट्रल में हम किन खबरों पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस खबर को लेकर आएंगे वो है चावल से जुड़ी हुई। चावल निर्यातकों ने सरकार से एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदी हटाने की मांग रखी है। इसके बाद जिस खबर पर हमारी नजर आए वो है रिजर्व बैंक के कुछ दिलचस्प आंकड़े जो आए हैं, बता रहे हैं कि देश के सरकारी बैंकों में क्लर्कों से ज्यादा अधिकारी हो गए हैं। अगस्त के दौरान व्यापार घाटे में हुई बढ़ोतरी पर होगी बात और गोल्ड लोन से जुड़ी है एक जरूरी बात। देश में गोल्ड लोन की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके पीछे क्या वजह है ये समझने की कोशिश करेंगे। एविएशन सेक्टर पर हमारी नजर है, बजट एयरलाइन स्पाइस जेट पर, क्योंकि इसकी हालत है खराब और समझते हैं कि क्या ये बंद होने के कागार पर है। और अंत में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति की उस रिपोर्ट पर फोकस रहेगा जो बताती है कि देश की तरक्की में दक्षिण भारत के राज्यों का योगदान बढ़ा है। चावल निर्यातकों के संगठन का कहना है कि इस साल देश में चावल की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है और ऐसे में सरकार को गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई पाबंदियों को हटा देना चाहिए। संगठन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव ने ये मांग की है। सरकार ने सेला चावल के एक्सपोर्ट पर फिलहाल 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है और सफेद गैर बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह से बंद है। इस साल देश में धान की खेती पिछले साल से ज्यादा हुई है, साथ में अधिकतर राज्यों में मॉनसून भी फसल के अनुकूल रहे हैं और ऐसे में चावल का उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 17 सितंबर तक देश भर में धान का जो एकरेज रहा वो 410 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। पिछले साल इस दौरान 394 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। तो हम देख रहे हैं अच्छे वेदर ने साथ दिया है और इसलिए इनके प्रोडक्शन में हम एक रेस देख रहे हैं। तो अब पवन जी, आपको मैं लाना चाहूंगी और आपसे ये पूछूंगी, अब लग रहा है कि चावल एक्सपोर्ट जो है वो अब खोलने की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है वो इसके फेवर में नजर आ रही है। प्रियंका, 2-3 दिन पहले भी हम लोग आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे। देखिए, चावल का एक्सपोर्ट आप खोलेंगे न खोलेंगे, ये दरअसल कोई ऐसे ये डिसीजन ऐसे नहीं होता। पहले आप देखते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन हुआ कि नहीं हुआ। जब हालात खराब लग रहे थे या एक तरह से कहें एस्टिमेट ऐसा था जिसमें कि लग रहा था कि कंसर्न जैसी बात है, उस समय सरकार ने उस पर बैन किया। अब हालात बेहतर हो रहे हैं, अब जब लग रहा है कि उसकी एकरेज ज्यादा है, उसके उसके उसकी यील्ड ज्यादा हो सकती है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, तो अब एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। और जहां सरकार इसको एक तरह से कहें तो कंटेम्पलेट कर रही है कि क्या इसको खोला जाए या नहीं खोला जाए, आप जो इन्होंने मांग की है वो एकदम से वैक्यूम में नहीं मांग है। एक तरह से कहें सब तरफ से फोर्सेज है, सरकार की तरफ से भी एक इंडिकेशन है। जब आप 1-to-1 बात करेंगे ऑफिशियल से तो आपको पता चलेगा कि कंफर्टेबल सिचुएशन है और ये फैसला संभव है कुछ ही हफ्तों का मेहमान हो, कुछ ही हफ्तों बाद इस पर फैसला हो सकता है। तो जो बात यह है उसको खोलने का वो बहुत सिचुएशन बहुत फेवरेबल है। तो लिहाजा मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोचता हूँ, जितनी मेरी समझ बनती है सिचुएशन की, कि इसको सरकार जल्दी इस बैन को हटा सकती है। ओके, तो सारे फैक्टर्स फेवरेबल लग रहे हैं और इस बैन को हटाया जा सकता है, मांग लंबे समय से हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और कुछ दिलचस्प आंकड़े नजर आ रहे हैं। देश की जो सरकारी बैंक है इसमें काम करने वाले अधिकारियों का जो तादाद है उसमें बैंकों के जो क्लर्क और सबऑर्डिनेट्स हैं वो बड़ा हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल जून अंत तक देश के सरकारी बैंकों में कुल 7,86,000 कर्मचारी दर्ज किए गए, जिनमें अधिकारियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है और जो क्लर्क का आंकड़ा है वो 2,47,000 है। सहायक स्टाफ का आंकड़ा 95,000 से भी कम रहा है। वित्त वर्ष 2012-13 तक सरकारी बैंकों में अधिकारियों के मुकाबले क्लर्क और सहायक स्टाफ का आंकड़ा ज्यादा हुआ करता था, लेकिन 2013-14 से अधिकारी ज्यादा हो गए और क्लर्क तथा सहायक स्टाफ
कम हो गए हैं। पवन सर, ये जो आंकड़े हैं इसे आप कैसे रीड करेंगे कि क्लर्क और जो मिड लेवल जूनियर लेवल स्टाफ है वो कम हो गया है और बड़े अफसर बढ़ते जा रहे हैं? एक प्रियंका है, बात क्या है कि पिछले ये ट्रेंड जो है वो करीब 11 के बाद आप देखेंगे तो बदला है। उसके पहले क्लर्क्स और जो दूसरे स्टाफ थे वो ज्यादा होते थे और जो अधिकारी वर्ग थे उनकी तादाद कम थी। ये 2011 के बाद एकदम से ट्रेंड पलटा हुआ। ये कि सरकार ने बाकायदा इस पर कमेटी बताई, मैं अभी उस कमेटी का नाम आपको नहीं बता सकता, अगर कमेटी का नाम मुझे याद आता तो ज्यादा अच्छा होता, पर एक बाकायदा सरकार ने कमेटी बिठाए, उसने कमेटी रिपोर्ट दिया और ये देखा कि बैंक में क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं, इंसान की जगह कैसे मशीन आ रहा है, जो दूसरे और नंबर जो स्टाफ के हैं उसको क्या हटाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है और फिर भी काम में कोई बाधा नहीं, काम पहले की तरह चले। तो आप ये देखेंगे ट्रेंड जो है 2011-12 के बाद ज्यादा बदला है। और हमने दरअसल सीखा ये प्राइवेट बैंकों से, जहाँ पे क्लर्क और ऑफिसर का जो रेशियो है वो 4:1 के बराबर होता था, तो आप उसी तरफ बढ़ें। तो आप जो देख रहे हैं ये महज संयोग नहीं है कि बैंकों में अधिकारियों की तादाद ज्यादा है। देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग बैंकों में अब ज्यादा होने लगे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में कहीं जो क्लर्क्स हैं या उसके नीचे के जो और पोस्ट हैं वो कहीं उसमें से शिरकत नहीं करते, वो उनकी कोई पोजीशन नहीं होती, तो वो काम है जो मैनुअल काम है वो बैंकों में कम हुआ है। जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे जैसे बैंकों में काम बढ़ा है, जैसे जैसे बैंकों में रिस्क बढ़ा है, वैसे वैसे देखेंगे कि जो अधिकारी हैं उनका इंटरवेंशन ज्यादा बढ़ा है, उनकी यूसेज बढ़ी है, उनकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो जो ये ट्रेंड आप देख रहे हैं ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जो रातों रात बदल गया है या सरकार के ध्यान में नहीं है या रिजर्व बैंक के संज्ञान में नहीं है, सबको पता है, पर ये बेसिकली बैंकिंग का ट्रेंड है। तो आप देखेंगे कि ये विदेशी बैंकों में भी आपको दिखेगा, मतलब वहीं देखिए जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में जो विदेशी बैंकों उनमें और प्राइवेट बैंक में भी जहाँ पे अधिकारियों की संख्या ज्यादा है, तो या तो ट्रेंड देखिए यही रहेगा या फिर हो सकता है आगे ट्रेंड ये रहे कि अधिकारियों की तादाद और थोड़ी बढ़ जाए। तो ये इंडस्ट्री की मदद मिलती है इसमें, फास्टर डिसीजन मेकिंग में मदद मिल रही है इससे। जी हाँ, होता क्या है कि ज्यादातर जैसा कि हमने कहा कि काम बहुत बढ़ गया है, बैंकों का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, बैंकों का रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो उसमें ना डायरेक्ट जो ऑफिसर्स हैं उसका इंटरवेंशन अगर नहीं हो तो केस खराब हो जाता है। तो ऐसे में डेलिबरेटली तैयारी की गई है कि ज्यादातर काम में अधिकारियों के हाथ में रहे, नहीं तो कम से कम अधिकारी उस काम में इन्वॉल्व रहे, तो इसलिए ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ये अभी ट्रेंड स्टेडी रहेगा। ओके, सो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है इस पवन सर कह रहे हैं, क्योंकि बैंकों में आप जो है डिसीजन मेकिंग को और फास्ट कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को और आसानी हो, और निजी बैंकों से सरकारी बैंकों ने इस तरह की सीख ली है, और इसीलिए हम देखेंगे कि अब जो है ऑफिसर्स ज़्यादा होंगे और मिड और लोअर लेवल में कम स्टाफ है। तो ये RBI के कुछ आंकड़े थे जो हम लेकर आए थे, लेकिन अब जिस आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं ये बहुत अहम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में आई गिरावट और गोल्ड के इम्पोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी की वजह से अगस्त के दौरान वस्तु व्यापार घाटा यानी जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं $30 अरब तक पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान देश से निर्यात में 9% की बड़ी गिरावट आई है। कुल एक्सपोर्ट $34.71 अरब का रहा है और इस बीच इंपोर्ट $65 अरब के करीब पहुंच गया है, जिस वजह से व्यापार घाटे में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। इंपोर्ट में बढ़ोतरी की बड़ी वजह गोल्ड इंपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ने और सरकार की तरफ से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जाने की वजह से अगस्त के दौरान गोल्ड इंपोर्ट की लागत भी बढ़ी है और ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। इस साल अगस्त में $10 अरब से ज्यादा का सोना आयात हुआ है, जबकि पिछले साल अगस्त में केवल $4.93 अरब का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। पवन सर, व्यापार घाटा बढ़ने का दोषी अभी जो आंकड़े हम रीड कर रहे हैं उसमें गोल्ड नजर आ रहा है। सरकार ने एक बड़ी कोशिश की इस बार उस पर ड्यूटी कट करने के बाद, लेकिन यहां पर तो दिख रहा है कि इसका एक हम नेगेटिव इंपैक्ट देख रहे हैं व्यापार घाटे पर। ये सही बात है प्रियंका। हुआ क्या कि एक दो बार और इस तरह के एक्सपेरिमेंट भारत सरकार ने आप लगाइए कम से कम 10 साल में 2 बार किए हैं, जब इस तरह से गोल्ड पे ड्यूटी घटाई और फिर उसके बाद गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ गया। इसको बीच में इन्होंने बैलेंस किया। इस बार क्या हुआ कि ये इसकी शुरुआत बजट से आप मान सकते हैं, जब गोल्ड इंपोर्ट पे उन्होंने ड्यूटी घटाई,
अभी अब गोल्ड का इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ गया तो अभी जब आप वन टू वन बात करते हैं, या अभी जैसे मान लीजिए मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा था कि जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग की, जिसमें कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताया कि साहब ऐसा है कि हम तो देख रहे हैं, इस पे निगाह रख रहे हैं, और हुआ यह है कि इसमें काफी हद तक जो गोल्ड आ रहा है ये पहले स्मगलिंग के जरिए आता था और लिहाजा वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं फिट बैठता था, किसी उस तरह का रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, हम कहीं उसको रजिस्टर नहीं कर पाते थे, लिहाजा हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो जब इतना ज्यादा बेतहाशा गोल्ड जो स्मगलिंग के जरिए आ रहा था, जो अब रजिस्टर हो रहा है, और इस वजह से गोल्ड के इम्पोर्ट में अब ट्रेंड आप देख रहे हैं, तो ये देखना जरूरी होगा कि ये जो आंकड़ा आया है ये अगस्त का, अगर ये आंकड़ा कायम रहता है इस महीने भी यानी सितंबर में भी, तो आप एकदम से देखिएगा कि 15 अक्टूबर से पहले पहले भारत सरकार को कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ये ट्रेंड इसको थोड़ा डिस्करेज किया जा सके। पर मेरा ये मानना है कि जो ट्रेंड आप देख रहे हैं उसमें इस महीने सरकार वॉच करेगी और देखेगी कि क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या थोड़ा सा उसमें अगर गिरावट आती है तो शायद कोई उस पर एक्शन न लिया जाए, लेकिन अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो उनको एक्शन लेना जरूरी होगा, और जिसके लिए अभी मुझे लगता है अगर ये इस महीने के अंत तक वो इंतजार करेंगे। लेकिन ये जो गोल्ड का जो इंपोर्ट जिसमें अब ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये एक तरह से ये अलार्मिंग फैक्टर है, और अभी क्योंकि आप देखेंगे कि अभी देखना पड़ेगा कि जो पर्व का टाइम आ रहा है जिसमें और फेस्टिवल आ रहे हैं, उसमें कैसे सरकार इसको मैनेज करती है, जब लोग जब बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं और उस समय और वो अपबीट देखा जाएगा मार्केट में, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी कॉमर्स सेक्रेटरी की ब्रीफिंग थी लास्ट वीक में, उसमें फिलहाल वो इस पर बहुत ज्यादा चिंता उन्होंने जताई नहीं है। लेकिन सितंबर वेट एंड वॉच वाला महीना रह सकता है, डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी, फेस्टिव मूड जो है वो लोगों पर चढ़ेगा, तो क्या आपको लगता है सरकार कदम उठाने के लिए यू टर्न ले सकती है क्या, उस ड्यूटी कट को रोल बैक करती हुई नजर आ सकती है क्या पवन सर? देखिए क्या है कि हम जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि इस तरह के दो बार, जहां तक मुझे याद है 2014 के बाद दो बार ऐसे मौके आए जब सरकार ने इस तरह से फैसला किया जिसमें गोल्ड पे ड्यूटी घटी, और ड्यूटी घटने के बाद गोल्ड पर जब एकदम से गोल्ड का सर्ज हुआ इंपोर्ट में, तो बाद में चल के सरकार को उसको फैसले को पलटना पड़ा। तो उसको देखते हुए हमें लगता है पास्ट के एग्जांपल्स को कि सरकार को अगर फैसला लेना पड़ा कि साहब ड्यूटी में उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है तो वो करना पड़ेगा, वो इनके लिए जरूरत बन जाएगी, इनके लिए मजबूरी हो जाएगी। ओके सो मतलब सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर सरकार एक यू टर्न लेती है गोल्ड पे, उन्होंने जो बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये डिस्टर्बिंग हो सकता है, एक महीने में बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको डेफिनेटली वॉच किया जाएगा कि ये अब ट्रेंड अगर बरकरार रहता है तो सरकार मजबूरी में, जो पवन सर ने वर्ड यूज किया मैं उसे रिपीट करूंगी, कि मजबूरी में शायद इस कदम को उठाने के लिए वो मजबूर हो जाए। अगली खबर भी गोल्ड से ही जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक की तरफ से गैर जमानती कर्ज को लेकर सख्ती किए जाने के बाद बैंक और एनबीएफसीज का रुझान सिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट्स में गोल्ड को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, और गैर जमानती कर्ज पर सख्ती की वजह से साल भर में गोल्ड लोन में करीब 30% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जून अंत में बैंकों की तरफ से बांटे गए कुल गोल्ड लोन का आकार 1,25,000 करोड़ हो गया है, और करीब और पिछले साल ये आंकड़ा 95,000 करोड़ से कम का था। गोल्ड लोन में आई इस ग्रोथ के पीछे की वजह सोने की कीमतों में तेजी भी है, बीते एक साल में सोने का भाव करीब 25% तक बढ़ गया है। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, गोल्ड लोन की मांग बढ़ते हुए, गोल्ड एवर फेवरेट बना हुआ है, चाहे निवेश की बात हो या फिर लोग फेस्टिवल में खरीद रहे हो या फिर इसके एवज में लोन ले रहे हो, तो इस गोल्ड लोन की मांग की ये जो बढ़ोतरी के आंकड़े, दो चीजें हुई हैं प्रियंका। अभी आप देखेंगे तो पिछले कई साल में एक तो जो गोल्ड लोन मिलता है उसको उसके प्रति जागरूकता काफी बढ़ी है, वो थोड़ा इजी होता है लोगों के लिए, तो बाकी जैसे जो दूसरे लोन है उसमें बैंक जैसे उनको दिक्कत करते हैं, बैंकों में बहुत तो आपको आप देखेंगे बहुत आरजू मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तरह की पेपरबाजी, बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो लोगों को लगता है कि साहब ये सबसे आसान तरीका है और इसमें ज्यादा हील उज्जत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप ये अब ट्रेंड आशा। दूसरा क्या है कि गोल्ड लोन जो देने वाली कंपनियां हैं वो काफी आसान, उन्होंने प्रोसेस आसान कर दिया, उनके नंबर बढ़ गए हैं, उनका एक्सेस बढ़ गया है,
आपके उनका प्रचार प्रसार बढ़ गया, तो ये आसान हो गया लोगों के लिए, तो ये इसलिए वहां से ज्यादा लोन लोग ले रहे हैं। रिजर्व बैंक के नियम वो अपनी जगह तो जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा जो फैक्टर है, मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, ये सबसे आसान है और इसी को अवेल किया जाए। राइट। एक बात इसके पहले के सवाल के जवाब में मैं आपको ये कोई लॉजिक नहीं है, पर ये मैं तर्क दे रहा हूँ आपको। आप देखेगा ना तो गोल्ड जो इम्पोर्ट, हालांकि वो इसमें रजिस्टर नहीं करता, पर रिजर्व बैंक ने भी इधर बहुत सारा गोल्ड खरीदा है। तो ये फैक्ट, जब हम लोग गोल्ड पे बात कर रहे हैं, तो ये फैक्ट आप हमारे, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना जरूरी है कि भाई पिछले कुछ महीने में रिजर्व बैंक ने भारी मात्रा में गोल्ड की खरीदारी की है। बिल्कुल, सो वन ऑफ द बिग बायर्स रहा है इंडिया भी चाइना के बाद मेरे ख्याल से, और गोल्ड ETF में भी हम बाइंग देख रहे हैं, और गोल्ड जो है हमेशा से ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। हमने बात की इम्पोर्ट में, अभी जिस तरह का सर्ज हम देख रहे हैं, और हम अब गोल्ड लोन में भी सर्ज देख रहे हैं, लोग इस पर अच्छा खासा लोन ले रहे हैं, जिसके रीजन्स कई हैं, प्रोसेस आसान है, और अभी जैसे पवन सर हाईलाइट कर रहे थे कि इसका प्रचार प्रसार, आप अगर कहीं भी जा रहे हैं रेडियो में उनके ऐड आ जाएंगे कि आप लीजिए बहुत आसानी से गोल्ड लोन, आप बैंक पहुंच जाइए, वहां मैनेजर आपको आके सबसे पहले गोल्ड लोन कहेगा, गोल्ड है तो लोन ले जाइए, और लगता है लोन को आसानी से मिल रहा है, ले लीजिए। और तो पहले जनरली कहता प्रियंका, ये ना आप अगर आंकड़े देखेंगे तो पहले आपको लगेगा ये साउथ के राज्यों में ज्यादा प्रोमिनेंट था, जहाँ पे मन्नापुरम गोल्ड और आप मुथूट फाइनेंस, ये सब गोल्ड लोन पे बड़े कॉन्सेंट्रेट करते थे, लेकिन धीरे 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 पिछले 12-13 सालों में ये नॉर्थ की तरफ भी बढ़ा है। राइट, तो ये इधर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जहां तक गोल्ड लोन की बात है, इस इलाके में भी। बिल्कुल, वेस्टर्न इंडिया में भी है, मैं महाराष्ट्र और गुजरात गई थी, वहां पर भी देखने को मिला। गुजरात में तो खैर उतना नहीं, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में मैं कह सकती हूँ आप जब जाएंगे तो आपको आसपास बहुत सारे एड्स नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर जो है वो पवन सर की डोमेन की खबर है। कर संकट से जूझ रही बजट एयरलाइन स्पाइस जेट की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि स्पाइस जेट ने कहा है कि 2020 से उसने ना तो कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का भुगतान किया है, ना ही GST और TDS का भुगतान कर पाई है। स्पाइस जेट ने बताया कि खराब आर्थिक हालत की वजह से उसके ऊपर इस तरह के करीब 427 करोड़ रुपए की देनदारी हो चुकी है। एयरलाइन ने बताया कि पेमेंट डिफॉल्ट की वजह से उसके 58 में से 36 विमान ग्राउंडेड हैं, जिस वजह से उसके आर्थिक हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। फिर वो पुरानी कहानी याद आई एक और एयरलाइन के बाद, अब ये स्पाइस जेट की बारी है क्या? पवन सर, आप किसे इसे कैसे एनालाइज करेंगे? आप इतने समय से एविएशन सेक्टर को देख रहे हैं, तो आपका व्यू जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। तीन चार घटनाएं इधर स्पाइस जेट को लेकर हुई। एक मन में डर कंज्यूमर को, और जो लोग उसके उनके शेयरों में पैसा लगाए हुए हैं, जो लोग एयरलाइंस में इन्वेस्टेड हैं, उनमें एक डर इस बात का है कि कितना दिन तक सस्टेन करेगा। बहुत कोशिश कर रही है मैनेजमेंट, कम से कम देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे पैसे का इंतजाम किया जाए। आप इनके एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं, अभी देखा होगा आपने कि हुआ क्या है कि इनके लेजर ने कहा है कि साहब ऐसा है कि हमने जो आपको आपके ऊपर जो देनदारी बनती है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप सेल थ्रू करने की कोशिश कंपनी कर रही है। अब उसमें GST की का भुगतान नहीं होना, उसमें एम्प्लॉय के PF का भुगतान नहीं ना, मतलब ये सब वो संकेत हैं जो बहुत अच्छे तो नहीं हैं। देखिए, सबसे पहला संकेत किसी भी कंपनी के खराब होने का प्रियंका है, एयरलाइंस के सेक्टर में तो ये सबसे ज्यादा बात लागू होती है, कि जब आपकी सैलरी कंपनी की अकाउंट में, मतलब कंपनी के काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी अकाउंट में 1 तारीख को अगर नहीं आ रही है, तो ये सबसे पहला गड़बड़ी का संकेत है, खासकर एयरलाइंस कंपनियों के लिए, क्योंकि वहां पे ना उस हिसाब से कैश का की आवाजाही बहुत है। तो अभी आप देखेंगे पिछले जनवरी से लेके स्वाइजिट के केस में ऐसा कई बार देखने को मिलेगा। अब आप PF नहीं जमा हो रहा है, GST के केसेस बन रहे हैं। मैंने इस केस में नहीं पता किया, पर लेकिन यह है कि GST के नोटिसेस गए होंगे, PF के ऑफिस से भी अपनी कार्रवाई चल रही होगी। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं वो उससे चिंता पैदा होती है। ऐसे में इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी, कब तक चलेगा, और जब नहीं चलेगा तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कस्टमर्स पे क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन इंडस्ट्री पे क्या होगा, खासकर जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एयरलाइंस श्रिंक किया हिंदुस्तान में। तो ऐसी कोई भी खबर स्पाइसजेट से रिलेटेड आती है तो आप समझिए कि वो अच्छे संकेत नहीं है किसी के लिए, ना कंज्यूमर्स के लिए, ना आपके लिए, ना हमारे लिए। बिल्कुल,
सो एविएशन क्षेत्र में अजय सिंह वंस अपॉन अ टाइम ब्लू आइड बॉय रहे थे और अब परेशानियों से घिरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अगली खबर है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देश की जीडीपी ग्रोथ में दक्षिण भारत के राज्यों का योगदान बढ़ा है जबकि पूर्वी भारत के राज्यों के योगदान में कमी दिख रही है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति यानी PMEAC की रिपोर्ट बता रही है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दक्षिण भारत के 5 राज्यों में यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का देश की जीडीपी में योगदान बढ़कर 30% हो गया है जबकि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के योगदान में गिरावट दिख रही है। 1990-91 में बंगाल का योगदान 7.9% हुआ करता था जो अब घटकर 5.6% पर रह गया है। उत्तर भारत में पंजाब के योगदान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 1990-91 के दौरान देश की जीडीपी में पंजाब का योगदान 4.3% हुआ करता था जो अब घटकर 2.4% रह गया है। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात का है। पवन साहब, पीएमईसी की इस रिपोर्ट को आप कैसे हमें समझाना चाहेंगे? साउथ का दबदबा बढ़ता हुआ? ये पीएमसी का, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक वर्किंग पेपर है। जो डेटा आप देख रहे हैं वो सब उस डेटा पे कोई मतलब वो सब की ऑथेंटिसिटी अपनी जगह। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंसर्न एरिया से, जैसे वेस्ट बंगाल कंसर्न एरिया है, जैसे बिहार कंसर्न एरिया है, बेसिकली ईस्टर्न कंसर्न एरिया है। उसमें थोड़ी सी बेहतर जो हालत है वो उड़ीसा की है। आप देखेंगे इधर उड़ीसा में थोड़ी बेहतरी हुई है उड़ीसा की इकोनॉमी में, बट बिहार और बंगाल फिलहाल ऐसे ही रहेंगे, उसके आसार हैं। देखिए होता क्या है, आप देखेंगे 91 के बाद आप इन्वेस्टमेंट देखिए, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट देखिए, कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट देखिए, वहां पे पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। गोवा में देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, महाराष्ट्र में आप इन्वेस्टमेंट देखिए, बाहर की जितनी कंपनियां आई हैं वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने प्लांट लगाया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हैं या फिर साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हैं। इसमें आप हरियाणा की स्थिति बेहतर देख सकते हैं, पंजाब की स्थिति बदतर है, मतलब पंजाब की स्थिति पहले से बदतर है। पहले जो था जीडीपी में उनका योगदान वो उससे कम हुआ है। तो जो साउदर्न के स्टेट्स हैं और जो वेस्टर्न के स्टेट्स हैं वहां पे इसलिए होगा है क्योंकि वहां पे रोजगार बढ़े हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, जापानीज कंपनी आई हैं, वहां पे दुनिया के और देशों की कंपनियां आई हैं। आप देखिए कि जो अभी चिप के लिए और मोबाइल के प्लांट के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से कितने इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न एरियाज में आए हैं। तो ईस्टर्न एरियाज ऑफ कंसर्न है। आपको देखना ये पड़ेगा कि क्या ये ग्रोथ अभी लोपसाइडेड रहेगा, क्या एक सवाल ये बनता है कि ये ग्रोथ लोपसाइडेड रहेगा। देखिए वेस्टर्न इंडिया में जो अभी आप देख रहे हैं लेवल ऑफ उनका शेयर जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम वो बढ़ेगा, ये साउदर्न इंडिया में बढ़ेगा, पर क्या ये ईस्टर्न इंडिया में अगले कुछ सालों में बढ़ने की उम्मीद लग रही है? उसका आंसर है शायद नहीं। तो ये जो आंकड़े देख रहे हैं ये इसको देख के मुझे कोई ऐसा सरप्राइज में नहीं हूं, मतलब ये होता रहा है काफी टाइम से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वहीं आ रहा है, क्योंकि रोजगार ही वहीं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही वहीं बन रहे हैं। तो इस बेरुखी की वजह क्या आप देख रहे हैं? मतलब यहाँ तो बेरुखी है कि वहां पे डेवलपमेंट वाले वो काम ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्या ये आप कह रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की तनातनी? तीन देखिए वो शायद इतनी बड़ी वजह नहीं है प्रियंका की, आप केंद्र में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और सरकार है। अगर स्टेट की सरकारें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए पर्याप्त उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो शायद इन्वेस्टमेंट आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब बिहार की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, आप जैसे मान लीजिए टाटा वहां से छोड़ के चला गया, तो एक नेगेटिव ट्रेंड बनता है इन सब चीजों से। देखिए बिजनेस और इकोनॉमी में काफी चीजें हैं जो सेंटीमेंट से चलती हैं, जो इमेज से चलती हैं, जो रेपुटेशन से चलती हैं। तो इसमें बंगाल पीछे है, इसमें बिहार पीछे है, इसमें उड़ीसा भी पीछे है, बट उड़ीसा की हालत बंगाल और बिहार से फिर भी बेहतर है जहां तक इमेज का सवाल है। और अब क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक टेंडम में काम करने से उड़ीसा थोड़ा बेहतर कर सकता है इन दो राज्यों से। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया पवन जी इस बातचीत के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कल के मनी सेंट्रल में और आपके इस एनालिसिस के लिए धन्यवाद आपका। तो बहुत सारी खबरों को हमने कोशिश की कवर करने की, जो खबर आप
जिनका विश्लेषण हमसे सुनना चाहते हैं उनके बारे में मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर बताइएगा, और आज का शो आपको कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर होती है मुलाकात अगले मनी सेंट्रल में। नमस्कार।